Hi everyone, this is Rupi Trivedi from LCMS Chabwa. Today we are going to discuss our practical problems related to profit and loss appropriation account. Okay, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक सारे हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड चल रहे हैं, तो हम टॉपिक वाइज देखते जाएंगे कि किस किस क्वेश्चन के लिए किस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी है, उसका सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने अभी जो लिया है इस वीडियो में वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकल पोर्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये बनता है एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है। मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी सेम कॉलम होते हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो लॉसेस होते हैं, वो सारे के सारे आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं, जो गेन होते हैं, वो सारे के सारे आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सेम चीज़ आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए भी चलेगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शॉर्ट में नाम लिया, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको ईजी रहे समझने में कि कौन कौन सी चीज़ कैसे ले रहे हैं हम, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम सारी चीज़ों को, डेबिट और क्रेडिट या सारे एक्सपेंसेस या हमारी इनकम्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसको बनाने का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, उसमें जो हम नेट प्रॉफिट हमको मिलता है, जो नेट प्रॉफिट हम रिसीव करते हैं, उस नेट प्रॉफिट को हमको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। साथ ही साथ हमें पार्टनर को अगर कोई इंडिविजुअल कोई चीज़ पे करना है, जैसे सैलरी पे करना है पार्टनर को, या उसे इंटरेस्ट पे करना है, या बिज़नेस को कोई चीज़ पार्टनर से मिलने वाली है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिज़नेस रिसीव करता है पार्टनर से, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए, पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हम देखेंगे इसे। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है, उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट मीन्स हमने ये प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया, ठीक है। वैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको लॉस हो जाता है, तो लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो उस लॉस को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं आएगी, कोई एक ही कंडीशन आपकी आएगी। प्रॉफिट होगा तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, और अगर लॉस होगा तो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि बिजनेस कौन सी चीज़ पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगी या पार्टनर को पे करेगी। तो बिज़नेस एक तरीके से पार्टनर्स की कैपिटल को यूज़ करता है, इसलिए बिज़नेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पे किया जा रहा है, तो एक्सपेंसेस हो गया बिज़नेस के लिए, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। फिर अगर पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन पे करना है, तो ये भी बिज़नेस को पे करना है, इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो पार्टनर सैलरी कमीशन जो भी है हम यहाँ पे कर देंगे। फिर टू रिजर्व्स, रिज़र्व क्या होता है कि बिज़नेस अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर सेव करके रखती है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम इस अमाउंट से सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। तो ये रिज़र्व भी बनाया जाता है, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल कर, एक तरीके से सेविंग होती है, इसको एज अ रिज़र्व रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसे भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ओके। उसके बाद जो पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बिज़नेस से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है, तो बदले में उसे क्या करना पड़ता है, बिज़नेस को इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो ड्राइंग करने के बदले में जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिज़नेस रिसीव करता है, इसलिए रिसीव करने की वजह से उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट और गेन जो भी होंगे वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके जितने भी पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, और लास्ट में टोटल लगा लिया जाएगा, और जो भी डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस आपका इधर आ रहा है डेबिट साइड में, तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल और करंट दोनों में से कोई एक ही आपको लेना है, कैपिटल लेना है या करंट लेना है, ये आपको आगे और पता चलेगा। अभी बस आप कैपिटल के थ्रू ही आप ध्यान रखो कि कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। अगर लॉस होगा तो यही आपका डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट वी टेक क्वेश्चन 11, आपकी बुक का क्वेश्चन 11। एक्स वाई एंड जेड, ये तीन पार्टनर्स हैं, इन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मतलब ये जो पार्टनर है ये प्रॉफिट किस रेशो से शेयर करेंगे। तो 2:2:1,
2:1 का इनका रेशो रहेगा। ये रेशो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 + 2 + 1 कितना हो गया 5, तो इनका शेयर क्या हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये 3 पार्टनर्स है, XYZ, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। ओके, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको दी है, द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर X5 लाख, Y5 लाख एंड Z 2,50,000। तो XYZ ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उस बिजनेस में एज ए कैपिटल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, तो एक्स ने 5 लाख की कैपिटल लगाई है, वाई ने 5 लाख की लगाई है और जेड ने 2,50,000 एज ए कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। ओके, पार्टनरशिप डीड यहाँ पर है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है किस रेट से, 10% से। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। ओके, जेड को सैलरी भी देनी है, तो जेड को सैलरी कितनी देनी है, यहाँ पर लिखा है 2,000 पर मंथ, मतलब ये जो 2,000 है ये एक मंथ की सैलरी है, लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का। तो 12 मंथ के हिसाब से सैलरी कितनी आ जाएगी, 2,000 × 12 कितना हो जाएगा, 24,000। तो जब भी आप जेड को सैलरी दोगे 24,000 से आप रिकॉर्ड करोगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। मतलब आपका जो प्रॉफिट है इस ईयर का वो कितना प्रॉफिट है आपका, 4 लाख। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बोली है कि ये जो प्रॉफिट है ये जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद आपको दिया गया, मतलब जेड को सैलरी पे की है, तो सैलरी पे करना एक तरीके से एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है मतलब इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद या जेड की सैलरी देने के बाद का आपका जो प्रॉफिट है वो 4 लाख है, मतलब इस 4 लाख में से जेड को सैलरी ऑलरेडी दे दी है। और अब आपको क्या बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ओके, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, डेट आप मेंशन कर दोगे कब किस ईयर के एंड में आप ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसके 2 साइड होते हैं, आपने ऑलरेडी फॉर्मेट में देख लिया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट कितना था, तो जेड की सैलरी देने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट था हमारे पास 4 लाख। तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, प्रॉफिट आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया 4 लाख, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में आपको क्या बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किस रेट से, 10% से, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट में देखेंगे कि एक्स की कैपिटल कितनी है 5 लाख, वाई की कैपिटल कितनी है 5 लाख और जेड की कैपिटल कितनी है 2,50,000। तो 10% इसका हम निकालेंगे क्योंकि 10% से आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इनका जब आपने 10% निकाला तो 10% कितना हो गया, ए का है आपका 50,000, बी का आया 50,000 और सी का है आपका 25,000। तो ये जो कैपिटल है, कैपिटल का 10% आपने कैलकुलेट कर लिया, तो एज ए इंटरेस्ट ये 50, 50 और 25 हम रिकॉर्ड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50, 50, 25, टोटल कितना अमाउंट हो गया 1,25,000, ठीक है। अब कैपिटल के बाद आपको क्या बोला था, जेड की सैलरी भी थी, लेकिन जेड की सैलरी देने के बाद का आपका प्रॉफिट था, मतलब इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी आपने जेड को सैलरी दे दी है, ठीक है। तो अब हम बार बार तो सैलरी देंगे नहीं उसको, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट है 4 लाख, 4 लाख में से हम ये 1,25,000 तो एज ए इंटरेस्ट हमने पार्टनर को दे दिया। तो अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है, हमारे पास प्रॉफिट बचा है 2,75,000, हमने 4 लाख में से 125 माइनस कर दिया, तो ये आपका जो अमाउंट है 2,75,000। अब ये 2,75,000 एज अ प्रॉफिट हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो से, जो स्टार्टिंग में दिया था आपका 2:1, तो ये 2,75,000 को हम एज अ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो 4 लाख में से 1,25,000 हमने माइनस कर दिया, जो हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, 2,75,000 को हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए का प्रॉफिट कितना है, एक्स का प्रॉफिट कितना है 1,10,000, वाई का प्रॉफिट कितना है 1,10,000 और जेड का प्रॉफिट कितना है 55,000। इस प्रॉफिट को हमने यहाँ पर शो कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। मोस्टली तो कैपिटल ही आपको यूज़ करना है, करंट कब यूज़ करते हैं ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट जो है हमने इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और दोनों साइड का हमने टोटल लगा दिया 4 लाख 4 लाख से और डबल लाइन से हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 11 था। यहाँ पर अगर जेड की सैलरी नहीं दी होती तो हम यहाँ पर सैलरी ज़रूर प्रोवाइड करते उसको रिकॉर्ड करते, लेकिन जेड को सैलरी ऑलरेडी दे दी है इसलिए हम बार बार रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देन वी टेक क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक्स और वाई, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर एक्स और वाई दो पार्टनर है
उन दोनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3:2, इस रेशियो से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई है, 8 लाख, और वाई ने कितना एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया है, 6 लाख, तो ये उनकी कैपिटल हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है, 5% से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, ये जो 60,000 की सैलरी है एनुअल सैलरी है, मंथली होती तो हम 12 × 12 कर देते, लेकिन ये पूरे ईयर की सैलरी बता रखी है कि टोटल वाई की सैलरी कितनी है, वाई को सैलरी अलाउ करनी है आपको 60,000, ठीक है, विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन। और ये जो 60,000 की सैलरी है ये वाई ने अभी तक अपने अकाउंट से निकाली नहीं है, अगर निकाल भी लेता तो भी उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं पड़ता, तो इस इन्फॉर्मेशन का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड 2,40,000, मतलब ये 2,40,000 हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी तक माइनस नहीं किया, लेकिन Y की सैलरी इस 2,40,000 में से ऑलरेडी दे दी है, तो Y की सैलरी ऑलरेडी पे कर दी है, तो हम बार बार Y को सैलरी पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2,40,000 का हमारा प्रॉफिट है जिसमें Y को सैलरी अब नहीं देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी दे दी है, सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। अब आगे आपको और इन्फॉर्मेशन दिए कि अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट कमीशन टू द मैनेजर, आपको यहाँ पर 5% से मैनेजर को कमीशन भी देना था जो कि आपने नहीं दिया। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग शोइंग द एलोकेशन प्रॉफिट, आपको यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको लास्ट में जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 5% से प्रॉफिट के ऊपर 5% से आपको कमीशन पे करना था किसको, मैनेजर। तो हमारा जो रूल है, ठीक है, हम जब अकाउंटिंग करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम सबसे पहले तो जो थर्ड पार्टी है हमारे बिजनेस और पार्टनर्स के अलावा जो थर्ड पर्सन है उनकी जो जो भी लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी हमको पहले पे करनी होती है, और जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनर्स के लिए बोला जाता है अरे ये तो घर के ही लोग हैं इनको तो हम कभी भी पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो वाई है वो वाई पार्टनर है तो वाई को सैलरी बाद में भी हम पे कर सकते थे, वो तो घर का ही है, ठीक है, हमारे बिजनेस का ही है, कभी भी पे कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, हमने वाई को पहले पे कर दिया और मैनेजर को तो पे किया ही नहीं, जबकि मैनेजर को पहले पे करना था हमको। तो अब यहाँ पर हमारे पास बिजनेस है, ठीक है, अब बिजनेस ने एक तरफ मैनेजर है और एक तरफ वाई है, तो मैनेजर ने वाई को क्या करा, सैलरी पे कर दी, लेकिन बिजनेस ने क्या करा, वाई को सैलरी पे कर दी, लेकिन बिजनेस को बाद में ध्यान आया कि वाई को तो सैलरी पे कर दी लेकिन अभी हमको मैनेजर को कमीशन देना बाकी था, लेकिन मैनेजर को तो कमीशन सबसे पहले दिया जाता है, तो बिजनेस क्या करेगा, वाई को बोलेगा कि आपको हम बाद में पे कर देंगे, जो अमाउंट मैंने आपको पे कर दिया है सैलरी का वो आप सबसे पहले मुझे रिटर्न कर दो, क्योंकि पहले मुझे मैनेजर को पेमेंट करना है, मैनेजर को कमीशन देना है। तो बिजनेस क्या करेगा, वाई को जो 60,000 एज ए सैलरी पे कर दिया है वो 60,000 सबसे पहले बिजनेस वापस ले लेगा, तो बिजनेस के पास 60,000 की कैश आ गई, तो बिजनेस के पास प्रॉफिट कितना था, 2,40,000, ठीक है, लेकिन वाई से सैलरी वापस ले ली तो इस 240 में ये 60,000 बिजनेस ने वापस ले लिए, तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो अब ये 3 लाख पे बिजनेस क्या करेगा, कमीशन पे करेगा किसको, मैनेजर को, ठीक है, और उसके बाद कमीशन देने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर सैलरी पे की जाएगी किसको, वाई को, ठीक है। तो अब हम अकाउंटिंग देखते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो मैनेजर की मैनेजर का कमीशन है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनता है, ठीक है, और जो मैनेजर को कमीशन देना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको वो पे करना ही करना है, इसलिए मैनेजर का जो कमीशन है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो सैलरी है वाई की और जो एक्स और वाई का जो भी कैलकुलेशन है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम दो अकाउंट बनाएंगे, तो देखते हैं हम, सबसे पहले हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर एडजस्टमेंट वर्ड क्यों लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन गया तभी तो हमारे पास प्रॉफिट आया 2,40,000 का, लेकिन ये जो प्रॉफिट था इस प्रॉफिट में हमको मैनेजर को कमीशन भी देना था, लेकिन हम उस टाइम देना भूल गए, हमने नहीं दिया, तो अब हम इस मैनेजर के कमीशन को उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, अब हम रिकॉर्ड करेंगे, पहले नहीं किया था अब हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो इसलिए हम इस मैनेजर के कमीशन के अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ले लिया हमारा प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में लिख दिया 2,40,000 का प्रॉफिट। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस था, बिजनेस ने 60,000 का जो अमाउंट एज अ सैलरी वाई को पे कर दिया था, बिजनेस ने वो अमाउंट वापस से ले लिया, तो बिजनेस के पास 60,000 का अमाउंट वाई से वापस आ गया, तो ये 60,000 का अमाउंट बिजनेस रिसीव कर रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा ये अमाउंट बिजनेस वापस रिसीव कर रहा है, तो वाई सैलरी आ जाएगी 60,000 की, ये भी हमने इस साइड रिकॉर्ड कर दी। अब 240 और 60 का तो प्रॉफिट था और 60,000 सैलरी जो वापस ले ली बिजनेस ने, तो ये अमाउंट बिजनेस में वापस आ गया, तो ये टोटल जो प्रॉफिट है ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 लाख। अब इस 3 लाख पे हम क्या करेंगे, मैनेजर को कमीशन देंगे, तो 3 लाख का जब आप 5% कैलकुलेट करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब प्रॉफिट था हमारे पास 3 लाख, 3 लाख में से हमने 15,000 तो किसको दे दिए, मैनेजर को। अब हमारे पास कितना अमाउंट बचा है, तो ये 3 लाख में से हमने 15,000 माइनस कर दिया, हमारे पास आज की तारीख में कितना अमाउंट है, 2,85,000। अब ये 2,85,000 जाकर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम अब ये वाला प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये अकाउंट कंप्लीट होने के बाद हमने दूसरा बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट जो हमारा था वहाँ से हम ट्रांसफर करके लेकर आए 2,85,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि वाई से हमने उस टाइम पैसा वापस ले लिया था, तो वाई को अब हमको सैलरी पे करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमने उसका जो अमाउंट था वापस ले लिया, तो सैलरी टू वाई, वाई को सैलरी पे कर दी 60,000 की। उसके साथ ही साथ हमको इंटरेस्ट पे करना था। ठीक है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 40,000 और 30,000, ये कैसे आया, तो ये जो कैपिटल थी 8,000, 8 लाख और 6 लाख, ये एक्स और वाई की कैपिटल है, इस पर हमको 5% से इंटरेस्ट पे करना था, तो ये 8 लाख और 6 लाख पे आपने 5% जब कैलकुलेट किया तो आपका आ जाएगा ये अमाउंट 40,000 और 30,000। तो एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ये अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, इसका टोटल आ गया 70,000। अब जो बचेगा अमाउंट वो पार्टनर्स के लिए एक तरीके से प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2,85,000 माइनस 60,000 माइनस 70,000 और जो अमाउंट हमारे पास आया वो कितना है, 1,50,000। ठीक है, ये डिफरेंसिंग अमाउंट है दोनों का, तो ये सब माइनस करने के बाद 1,55,000 को इनका जो रेशियो था 2:1 का, उसमें हमने ये अमाउंट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। 1,55,000 का जब हमने 3/5 किया तो ये एक्स का प्रॉफिट आ गया, और जब 1,55,000 का 2/5 किया तो ये 62,000 वाई का शेयर आ गया प्रॉफिट का। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 एक तरीके से हमारे अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपके जो कमीशन है उसके कैलकुलेशन किस तरीके से होंगे वो हम देखेंगे। तो रिमांड सीमा और पार्टनर्स, ये दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रिमांड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। ओके, ये मंथली सैलरी है, तो जब आप सैलरी अगर आप दोगे तो वो सैलरी आप 12 से मल्टीप्लाई करके दोगे क्योंकि, और दोनों को दोगे क्योंकि ये मंथली सैलरी, एक मंथ की सैलरी है और हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 मंथ का होता है, तो मल्टीप्लाई 12 कर दोगे आप। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ 5% पर एनम, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 5% से। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, यहाँ पर आप ध्यान देना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बाद यहाँ पर चार्ज वर्ड यूज़ हुआ है। ये चार्ज का मतलब क्या हो गया कि अब बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वगैरह ये कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट या सैलरी रिम्यूनरेशन ये भी कैलकुलेट नहीं होता है। तो अगर लॉस है तो भी आप इंटरेस्ट और ड्रॉइंग और सैलरी वगैरह कैलकुलेट नहीं करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चार्ज लिखा है, चार्ज लिखा है मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो तो भी आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको रिकॉर्ड करोगे। फिर देयर कैपिटल्स वर रुपीज़ 5 लाख ईच, दोनों ने 5 लाख की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है, और ड्रॉइंग कितना किया है, 60,000, दोनों ने 60,000 को विड्रॉ किया। द फॉर्म इनकर्ड लॉस, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, लॉस। तो जब लॉस दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही कैलकुलेट करते हैं, सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के आगे चार्ज वर्ड यूज़ कर दिया, मीन्स लॉस होने के बाद भी हमको ये कैलकुलेट करना है। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सबसे पहले लॉस था, प्रॉफिट की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं तो लॉस की कहाँ हो जाएगी, डेबिट साइड। हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देने के लिए बोला था आपको क्वेश्चन में, दोनों ने कितना कितना ड्रॉ किया है, विदड्रॉ किया है 60,000 60,000। और ड्रॉइंग हमको देनी है किस रेट से देनी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए यहाँ पर बोला है कि 10% से आपको देना है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो ड्रॉइंग है ये ड्रॉइंग किस डेट को किया है, ताकि उस डेट से लेकर हम कैलकुलेशन कर सकें कि कितने मंथ हो गए, ताकि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना कितने मंथ पे देना है वो हम समझ सकें। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ड्रॉइंग तो दिया है कि 60,000 60,000 ड्रॉ किया, विड्रॉ किया, लेकिन आपको ये नहीं दिया है कि कब विड्रॉ किया। तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दे रखी है तो ऐसी कंडीशन में हम एवरेज मान लेते हैं, हम 6 मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं और 6 मंथ के बेस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यहाँ पर शो कर दिया आपने चार्ज, इसलिए 10% से आप प्रोवाइड करोगे, लेकिन सिर्फ 6 मंथ का ही आप दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 60,000 था, 60,000 60,000 पे आपने 5% से, ठीक है, रेट क्या थी आपकी, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% से, तो 60,000 पे 10% से 6/12 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा आपका 3,000। तो 6,000 आपने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद 1 लाख आपका लॉस था, जिसमें से 6,000 आपने और अभी दे दिया, तो अब लॉस कितना ट्रांसफर आ जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस ने 6,000 रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की एक तरीके से इनकम हो जाती है, ओके, इस वजह से इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। तो 1 लाख का लॉस ऑलरेडी बिजनेस के पास था, जिसमें से 6,000 कम हो जाएंगे क्योंकि ये पार्टनर से बिजनेस ने रिसीव कर लिया है एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अब जो लॉस है वो कितना रह जाएगा, 94,000। तो जिस तरीके से प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे लॉस भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये 94,000 को इक्वली पार्टनर थे इसलिए इक्वली इक्वली दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और 1 लाख 1 लाख से दोनों साइड के टोटल हमने डबल लाइन से लिख के वहाँ पर क्लोज कर दिया अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इस 23 में आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बताना है कि कितना प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो अमर, भानु और चारु, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, जिसमें से अमर और भानु ने क्या कर रखा है कि इनको सैलरी पे करनी है 1,20,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम, मीन्स उनकी एनुअल सैलरी है 1,20,000 अमर को पे होगी और भानु को भी 1,20,000 की सैलरी पे करना है, ओके। उसके बाद दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 4,80,000, डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। मतलब पार्टनर को सैलरी पे करने के बाद पार्टनर के बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रॉफिट आपने रिकॉर्ड कर दिया 480, इसमें से दोनों की 120 120 की सैलरी आपने दे दी, तो 480 में से आपने टोटल 2,40,000 तो सैलरी में पे कर दिया। तो अब आपके पास कितना अमाउंट बचा, बिजनेस के पास कितना अमाउंट बचा, 240 बिजनेस के पास अमाउंट बचा है। तो ये 240 पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई क्योंकि तीनों पार्टनर्स आपके इक्वल थे और दोनों अकाउंट आपने डबल क्लाइंट से क्लोज कर दिए, ठीक है। सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था कि प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो ABC 3 पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 2:1, ठीक है। अब यहाँ पर ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 10% आपको कमीशन प्रोवाइड करना है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,10,000, और आपसे बस इतना पूछा है कि आपको अकाउंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना है कमीशन का। तो जब कभी भी आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, बस आपको बोला है कि प्रॉफिट इतना है और आपको 10% से या किसी भी रेट से आपको कमीशन देना, तो बस आप डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला लगाओगे कि प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। प्रॉफिट की जगह पे आपने प्रॉफिट रख दिया 1,10,000, रेट थी हमारी 10, अपॉन में आ गया 100, इसको सॉल्व किया तो 11,000 आपका अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन का अमाउंट आ गया, ठीक है। इसी के साथ कमीशन के लिए एक दूसरी कंडीशन भी आती है, आफ्टर चार्ज सच कमीशन, तब आप क्या करोगे। जैसे क्वेश्चन आपका 25 XYZ, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड, जेड इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो जेड है उसे कमीशन तो चाहिए, लेकिन कमीशन उसे उस प्रॉफिट में से चाहिए जिस प्रॉफिट में से उसको मिलने वाले कमीशन का अमाउंट ऑलरेडी आपने माइनस कर दिया हो। तो कमीशन तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो हम प्रॉफिट में से कौन सा अमाउंट माइनस करें और फिर कमीशन कैलकुलेट करें,
है ना, तो हमें पहले कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा कि द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, उसके पहले का जो प्रॉफिट है वो 2,20,000 है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई पार्टनर उस प्रॉफिट पे अपने कमीशन की डिमांड करता है जिसमें से उसका प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो प्रॉफिट का अमाउंट भी आपने माइनस कर दिया हो, तो वो प्रॉफिट तो हमारे पास होता ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है कि उसका कमीशन कितना था, तो हम प्रॉफिट में से क्या माइनस करें और फिर क्या फिर कमीशन कैलकुलेट करें। तो जब कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आफ्टर सच कमीशन वाली कंडीशन आती है, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कंडीशन जब भी आती है तो आपको एक फार्मूला यूज़ करना रहता है। वो फार्मूला क्या होता है कि नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100+ रेट। अगर 100+ रेट हम कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे हम कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आफ्टर सच कमीशन आए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाली कंडीशन आए, तो आपको आपके फॉर्मूले में 100+ रेट करना है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट था आपका 2,20,000 का, 10 था आपकी रेट थी 10 अपॉन में 100+ रेट, मतलब कितना हो गया 100+10 को आप रेट ऐड करोगे तो हो जाएगा 110। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20,000 का आपका क्या आ जाएगा, कमीशन। तो इस कमीशन, इस तरीके से कमीशन की दो कंडीशन होती है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ पर दोनों के लिए फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के बेस पर आप कमीशन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन 26, ABC एंड D, देर आर 4 पार्टनर्स, ओके, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1, ओके, इट अर्न अ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है इस ईयर वो कितना है, 1,80,000, ओके, एज पर द पार्टनरशिप डीड, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड है आपको ध्यान रखना है, दे आर टू चार्ज अ कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब यहाँ पर आपको कमीशन चार्ज करना है, कमीशन का कैलकुलेशन करना है, और कंडीशन कौन सी है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला जो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करोगे और कमीशन कैलकुलेट करोगे। साथ ही साथ उसमें, इस क्वेश्चन में आपको ये भी बोला गया है कि जो कमीशन आप कैलकुलेट करोगे वो कमीशन आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, मतलब वो कमीशन चारों पार्टनर शेयर करेंगे, तो दे विल शेयर एज 2:3:2:3, या 2:3:2:3 के रेशो में वो कमीशन का अमाउंट पार्टनर्स शेयर करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, मतलब उसके बाद कमीशन देने के बाद आप कमीशन को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो हम वो चीज़ शो करेंगे। सबसे पहले हम कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना दे रखा, 1,80,000, ठीक है, और आपको कमीशन कितना देना है 20% से। तो कैलकुलेशन पे पहले हम आ जाते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100+ रेट। हमने 180 का हमारा प्रॉफिट था, 20 अपॉन 100+20 किया तो कितना हो गया, 120। इसको हमने सॉल्व किया तो 30,000 का हमारा क्या आ गया, टोटल कमीशन। अब ये जो कमीशन है ये तीनों पार्टनर्स 2:3:2:3 के रेशो में शेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 30,000, ये 10 कैसे आया, तो 2:3:2:3, इन चारों को हमने प्लस किया तो कितना आ गया 10। तो 30,000 का 2/10 आया 6,000, 6,000 ए का कमीशन हो गया। 30,000 का जब हमने 3/10 किया और इसको सॉल्व किया तो 9,000 हमारा बी का कमीशन आ गया। सेम चीज़ हमने सी और डी के लिए भी की, और 6,000, 9,000, 6,000, 9,000 ये चारों के कमीशन आ गए। तो हमने ये कमीशन कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट था 1,80,000 जो कि हमने यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद कमीशन हमने पार्टनर्स को दे दिया, जो हमने 6,969 कैलकुलेट किए थे नीचे कैलकुलेशन में, वो अमाउंट हमने शो कर दिए। डेबिट साइड में आएगा सैलरी कमीशन जो भी होगा उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर 1,80,000 हमारा प्रॉफिट था जिसमें से 30,000 तो हमने कमीशन में ही पार्टनर्स को दे दिया। तो 180 में से जब 30,000 हम लेस कर देंगे तो अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है, हमारे पास बचा है प्रॉफिट 1,50,000। अब इस 1,50,000 को जो उनका स्टार्टिंग में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये प्रॉफिट्स 60, 45, 30 और 15,000 उनके प्रॉफिट आ गए, ठीक है। और 180 जो टोटल था वो टोटल को डबल लाइन से बंद करना ज़रूरी है, और उसके बाद हमने ये अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक्स एंड वाई, देर आर 2 पार्टनर्स, ओके, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। एक्स को सैलरी देनी है, कितनी, 10,000 पर मंथ आपको देनी है।
तो 12 मंथ के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 की सैलरी आपको किसको पे करनी है, एक्स को। आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्स को कमीशन भी देना है, लेकिन एक्स की कमीशन के लिए क्या शर्त है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। ओके, मतलब एक्स को जो कमीशन चाहिए वो कमीशन किस प्रॉफिट पे चाहिए, कि उस प्रॉफिट में से जो दोनों पार्टनर हैं उन दोनों पार्टनर की सैलरी आप लेस कर दो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर मुझे कितना कमीशन चाहिए, 10% से। ठीक है, तो हम जब कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे तो इस पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। फिर वाई के लिए क्या हो जाएगा, कि वाई को आपको सैलरी देनी है 25,000 पर एनम। पर एनम मतलब ये उसकी ईयरली सैलरी, एनुअल सैलरी, तो यहाँ पर हम इंटू 12 नहीं करेंगे। तो वाई को सैलरी देनी है 25,000, एंड अब कमीशन कितना पे करना है और किस तरीके से पे करना है, तो वो देखते हैं हम, कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पर आप देखना आफ्टर चार्जिंग आया है, मतलब वो दूसरी वाली जो कंडीशन है 100+ रेट, वो वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मतलब जो प्रॉफिट हमारे पास है उस प्रॉफिट में से आप दोनों पार्टनर की सबसे पहले सैलरी माइनस कर दो, और जो एक पार्टनर का कमीशन हमारे पास कैलकुलेशन में आ गया है, वो कैलकुलेशन में जो प्रॉफिट का जो क्या कमीशन का अमाउंट है, वो कमीशन का अमाउंट भी उस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। अब उसने बोला है कि मुझे जो कमीशन मिलेगा वो भी आप माइनस करो उसके बाद, मीन्स आफ्टर चार्जिंग वाली कमीशन। तो जो चीज़ हमारे पास है हम उन सबको माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट हमारे पास होगा, जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा, उस पर हम 100+ रेट वाला जो कमीशन का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा, 4,20,000। तो इसको अब हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री कर ली, प्रॉफिट कितना था आपका, 4,20,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद सैलरी तो हमको पता है कि किसकी कितनी कितनी थी, एक्स की सैलरी कितनी थी, 10,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईयरली सैलरी उसकी कितनी आ जाएगी, एनुअल सैलरी 1,20,000। ठीक है, वाई की सैलरी भी हमको पता है, वाई की सैलरी कितनी है, 25,000। तो दोनों की सैलरी सबसे पहले हमने रिकॉर्ड कर ली, दोनों की सैलरी का अमाउंट कितना है, 1,45,000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कमीशन देना। तो सबसे पहले एक्स का कमीशन देखेंगे, कि एक्स ने क्या कहा था, कि मुझे उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें से सैलरी माइनस हो गई हो, सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर मुझे कमीशन चाहिए। तो 4,20,000 का हमारे पास प्रॉफिट था, जिसमें से हमने इन दोनों की सैलरी 1,45,000 की सैलरी हमने पे कर दी, तो 420 में से 1,45,000 हम माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगा उस पर किस रेट से हमको कमीशन देना है एक्स को, 10% से हम उसको कमीशन पे करेंगे। तो ये कैलकुलेशन 420 था, 4,20,000 में से हम माइनस करेंगे, यहाँ साइन गलत आ गया है, माइनस का साइन है, माइनस करोगे 1,45,000, तो कितना अमाउंट बचेगा हमारे पास, 2,75,000। अब ये 2,75,000 पे 10% से हम क्या करेंगे, एक्स को कमीशन देंगे। 2,75,000 इंटू 10/100, 10% आपने कैलकुलेट किया तो 27,500, ये क्या आ गया, एक्स का कमीशन। तो हम सबसे पहले इस 27,500 को रिकॉर्ड कर देंगे, एक्स का कमीशन आ गया। ठीक है, अब वाई के कमीशन का कैलकुलेशन करना है। तो वाई ने क्या कहा है, कि मुझे प्रॉफिट में से दोनों की सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी भी आप माइनस कर दो, पार्टनर को जो आपने कमीशन दिया है वो भी माइनस कर दो, और मुझे जो कमीशन मिलने वाला है वो भी आप माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो मुझे उस पर कमीशन चाहिए। तो पहले तो तीन अमाउंट हमारे पास है, ये अमाउंट हमको अभी तो कैलकुलेट करना है, ये कमीशन अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जितने अमाउंट हमारे पास पहले अवेलेबल हैं हम उन अमाउंट को पहले माइनस कर देंगे। तो 4,20,000 में से हम क्या करेंगे, एक्स की सैलरी माइनस कर देंगे, वाई की सैलरी माइनस कर देंगे, एक्स का कमीशन भी जो हमने कैलकुलेट कर लिया वो भी हम माइनस कर देंगे। ये तीनों अमाउंट माइनस करने के बाद जो हमारे पास जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर हम क्या करेंगे, कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 4,20,000 का प्रॉफिट था उसमें से दोनों की सैलरी का टोटल है 1,45,000 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद 50,000 भी हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, और जो अमाउंट आया वो कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर ये जो 4,20,000 था, 4,20,000 में से 1,45,000 हमने सैलरी दोनों की माइनस कर दी। फिर एक्स का कमीशन हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो भी हमने माइनस कर दिया, तो कितना अमाउंट बचा हमारे पास, 2,47,500। लेकिन इस अमाउंट में से हमने अभी तक Y का कमीशन माइनस नहीं किया, क्योंकि वो तो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाली जो कंडीशन है 100+ रेट, वो आप यूज़ करोगे। तो प्रॉफिट के लिए आप यूज़ करोगे 2,47,500, ठीक है, उस पर रेट अपॉन 100+ रेट, मतलब 10/110 से आपने सॉल्व किया तो 22,500 क्या आ गया, Y का कमीशन आ गया।
ठीक है, तो यहाँ पर हम वाई के कमीशन की जगह पे 22,500 लिख देंगे। इस तरीके से दोनों की सैलरी भी हमने रिकॉर्ड कर दी, दोनों के कमीशन भी हमने रिकॉर्ड कर दिए, और 420 में से हमने सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दिया। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है? प्रॉफिट बचा है हमारे पास 2,25,000, जो कि इन दोनों में इक्वल इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से 420 हमने टोटल लगा दिया और डबल लाइन से हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आपके जो कमीशन है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इनसे रिलेटेड आपके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।